नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट वेयर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार देके। आज से 18वीं लोकसभा संसद का सत्र प्रारंभ है। कई सांसद जो निर्वाचित हुए हैं, 543 सांसद आज शपथ ग्रहण करेंगे। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान जी। शकील अहमद खान जी, इस बार तो मजबूत विपक्ष लोकसभा में देखने को लिए मिलेगा 18वीं लोकसभा। देखिए, विपक्ष और पक्ष, सरकार का ये पहलू है, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर के में रहने वाली सरकार जो पिछले 10 साल से चली, तो उसने डेमोक्रेटिक सिद्धांतों का पालन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में रहती है तो वो जो सिद्धांत है, एस्टैब्लिश सिद्धांत है पॉलिटिक्स का और विपक्ष के रोल का, उसका पालन नहीं किया। इसकी इतनी तकलीफ हुई कि जहाँ 140-145 सांसद को सीधे बाहर फेंक दिया जाता है और बिल पास करा लिया जाता है, बिना बहस के बिल पास होता है। लोकसभा में बहस होना चाहिए, फिर वो एक सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए, फिर राज्यसभा में आना चाहिए, तो एक पूरी प्रक्रिया होती किसी बिल को पास करने की। वो सब का अनदेखा करके मनमानी किया गया। और भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बना लेंगे, तो आसान है। अरे, कांग्रेस पार्टी बहुत सारे लोगों के बाबूजी की पार्टी है, पुरखों की पार्टी है, आज़ादी दिलाने की पार्टी है, मेहनत कश आवाम की पार्टी है। तो इतने आसानी से खत्म नहीं किया सकता है। राहुल गांधी की ईमानदाराना मेहनत ने देश की जनता को जोड़ा और देश के विपक्ष ने यह सामने रखा। वो तो हल्के से बच गए हैं, केन केन प्रकार तंत्र विद्या से बच गए हो। तो बनारस में हालत ख़राब थे, 8वां राउंड तक पीछे थे। 400 पार का नारा देने वाले लोग खुद ही ट्रेल कर रहे थे। आप समझिए जनता कितने आक्रोश में है। और अगर इस बार पार्लियामेंट में जनता ने मैंडेट दिया है इनको विपक्ष में बैठने का, 242 है भारतीय जनता पार्टी को, 273 नहीं है, सहारे में है ये लोग, तो सरकार ठीक से चलाए। अपोजिशन साथ देने को तैयार है इस बार मजबूत स्थिति में, साथ देने को हमेशा तैयार रहती है। अपोजिशन कंस्ट्रक्टिव रहती है, कंस्ट्रक्टिव दिमाग से काम करती है हम सब लोग। लेकिन चूंकि विपक्ष सिद्धांतों का पालन नहीं करती है, तो जाहिर सी बात है कि लोहा लेने को तो तैयार है। लोहा कौन लो ले रहा है? समाज के हित के लिए बिल बनाने का, कानून बनाने का, समाज के हित के लिए बात करने का लोहा लेने को तैयार है। तो इन दिनों बिहार में एक सप्ताह के अंदर 3 पुल ही रहे, हम तो कह रहे हैं कि और ज़्यादा पुल क्यों नहीं गिर रहे? क्योंकि निर्माण कार्यक्रम में बिहार के हर डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है, सभी लोग उसमें लिप्त हैं। यह इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निर्माण कार्य का जब टेंडर में जाता है मामला, टेंडर के पहले कागजात में कोई कमी नहीं होती। मैं ये मान सकता हूँ कि एस्टीमेट कहीं कहीं बढ़ा के दिया जाता है, वो भी एक बड़ा घोटाला है हमारे बिहार में। 1 रुपये का चीज़ 4 रुपये में बनना है, बट एट द सेम टाइम जब आपको आवंटन कर दिया जाता है, आवंटन की टेंडर, आवंटन की प्रक्रिया, टेंडर मिलने के बाद यह जो घालमेल है, मटेरियल का कमज़ोर होना, डिज़ाइन को ठीक से फॉलो नहीं करना, स्ट्रक्चर को ठीक से नहीं बनाना, ये सारे कारण हैं। और ये कारण सिर्फ पुल निर्माण में नहीं है, RW में नहीं है, भवन निर्माण में नहीं है क्या, इरीगेशन डिपार्टमेंट में नहीं है क्या, और ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ निर्माण का कार्यक्रम होता है, वहाँ नहीं है। जांच होनी चाहिए, जांच पूरा इस डकैती के खिलाफ जांच होनी चाहिए, और जांच करने वाले ईमानदार लोग होने चाहिए। दिक्कत क्या है कि जांच करने वाला भी सेट हो जाता है। इस सरकार में ही प्रॉब्लम है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो ईमानदारी से चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो जाए। डेवलपमेंट कराने वाली जो ये है एजेंसियाँ हैं, जो मिनिस्ट्री है, उसको भी तो ईमानदारी से काम करना है। अरे, नमक को आटा में मिलाओगे कि आटा ही नमक में मिलाओगे? नमक की संख्या ज़्यादा जाती है, आटा कम होता है, ऐसे तो नहीं चलेगा। चलिए, एक आखिरी सवाल है। नीट का पेपर जिस तरह से लीक होना, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का के पीए प्रीतम का नाम आना, और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, किसी का भी नाम आए, जाँच की प्रक्रिया ईमानदारी से हो, और जांच की प्रक्रिया के पहले राजनीति नहीं हो। लाखों नौजवानों के
भविष्य का सवाल है। 50 लाख नौजवान देश भर के कोचिंग व्यवस्था से जुड़ करके 9th क्लास ऑनवर्ड उनकी तैयारी होती है, उनके माँ बाप का खर्चा होता है, उनके अरमान होता है, उनके अरमानों का इस तरह से खून किया जाए, जितने नंबर नहीं देने सबको पता है। और सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए जो नंबर बहुत सारे बच्चे लाए अब नहीं आएंगे और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पैसा देकर जाना पड़ेगा। तो इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी साजिश के खिलाफ ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, उसमें कोई रहे उसको बचने का कोई मतलब नहीं। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे शकील अहमद खान, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट वर्ष चैनल पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।